जिसमें जो हमारा टारगेट है 12,41,000 बच्चों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे जो स्कूल हैं 2008 स्कूल हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, और हमारे जो टोटल स्कूल है 2828, और निजी स्कूल जो हैं 850, और साइज हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं 1882 हैं। इन्हीं स्कूलों पे हमारे CDPO के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पे जी, और साथ ही साथ हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल है, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शिक्षक के माध्यम से 1 से 19 साल के बच्चों को डिवर्मिंग की दवा खिलाई जाएगी। इसमें अल्बेंडाजॉल 400 मिलीग्राम की दवा दी जाती है, जिसमें 1 से 2 साल के बच्चों को आधी गोली यानी कि 200 मिलीग्राम दिया जाएगा, और 2 से बड़े बच्चों को 19 साल के बच्चों को हमारा 400 मिलीग्राम की दवा दी जाती है। इससे सबको फ़ायदा ये होता है कि पेट में जो कीड़े होते हैं वो हमारी दवा से ख़त्म हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे नंगे पैर कहीं चले जाते हैं, गंदे स्थानों पर चले जाते हैं, पेट में कीड़ी की मात्रा बढ़ जाती है, उससे हमारा बहुत फायदेमंद होता है, कीड़े मर जाते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर एनीमिया, कुपोषण और पेट में दर्द, ये सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। तो हमारे सम्मानित जनता बलरामपुर के लोगों से ही निवेदन है कि हमारा नेशनल डिवर्मिंग डे जो 1 फरवरी को मनाया जाएगा, स्कूलों के माध्यम से, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से अपने बच्चों को दवा जरूर खिलाएं, ताकि जो कीड़े जो पेट में बन जाते हैं उसको खत्म किया जाए, और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे छूट जाएंगे उनको मापक राउंड के माध्यम से 5 फरवरी को दवा खिलाई जाएगी। ये सर प्राइवेट स्कूलों में भी किया जाएगा? प्राइवेट स्कूल में भी किया जाएगा, साथ ही साथ जो बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाते हैं, जो हम लोग नॉन गोइंग स्कूल बच्चों को कहते हैं, उनको भी खिलाया जाएगा, उनको भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। हमारा जिले स्तर से हमारे CSC और PSC की दवाएं पहुंच गई हैं, वहां से हमारे स्कूल में पहुंच जाएंगी। इसको अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा, फ्लेक्स बैनर पोस्टर के द्वारा भी इसको अवेयर लोगों को किया जा रहा है, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और सर ये देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।